नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी का पीसीएस 2022 का प्रीलिम्स का रिजल्ट भी बहुत जल्द आने वाला है, विद इन वन वीक, करीबन 19 जुलाई तक आ सकता है। पहली चीज़ ये। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, पीसीएस 2021 का मेंस का रिजल्ट आया, उससे पहले स्केलिंग पे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चला था, बहुत ज़्यादा डिबेट चली थी। अभी मेंस 2021 पीसीएस 2021 का जो मेंस था उसमें हमारे कई सारे ग्रुप थे, जैसे जीएस 1, 2, 3, 4 के भी, आंसर राइटिंग के भी, और सोशोलॉजी का भी ऑप्शनल का ग्रुप था। तो हमारे जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कई छात्र सिलेक्ट हुए हैं, छात्र छात्राएं पीसीएस 2021 के मेंस में। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये, क्योंकि ग्रुप में कई लोगों ने अपने ऑप्शनल भी लिखे थे कि वो किस किस ऑप्शनल से सिलेक्ट हुए हैं, तो हिस्ट्री से भी सिलेक्शन हुआ है इस बार, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी हुआ है, पीएसआईआर से भी हुआ है, इवन हिंदी मीडियम से भी, हिस्ट्री हिंदी मीडियम से भी हुए हैं, पीएसआईआर हिंदी मीडियम से भी हुए हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हिंदी मीडियम से भी हुए हैं, और सोशोलॉजी में भी काफ़ी हुए हैं। सोशोलॉजी में हमारा ग्रुप था, करीबन अभी तक जितने मैसेज आए हैं 11 मैसेज जो है सोशोलॉजी वालों के आ चुके हैं। तो ये है रिजल्ट अभी तक का। बाकी इस वीडियो के माध्यम से मैं सारे लोगों से ये एक और जो है आपसे चाहता हूँ कि एक कमेंट आप ज़रूर करें, जो लोग भी सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है कि क्या स्केलिंग मतलब लागू हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि अभी तक आयोग का कोई क्लियर जवाब नहीं है। लेकिन ये सुनने में आ रहा था कि कैपिंग टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा है, अभी मार्कशीट आई नहीं है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये फाइनल सिलेक्शन में कितने कन्वर्ट होंगे क्या नहीं। लेकिन आप लोग प्लीज़ जो लोग सिलेक्ट हुए हैं वो अपना अपना ऑप्शनल और अपना अपना मीडियम जरूर कमेंट करके लिखें, ताकि एक आइडिया लग सके कि किससे किससे और हुए हैं। हमारे मेंस के ग्रुप से करीबन 112 लोगों ने अभी तक मैसेज किया है, जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं उनमें से मैंने बताया कि इन सारे ऑप्शनल से भी हुए हैं लोग सिलेक्ट, ठीक है। बाकी जैसे जैसे मैंने और पूछा है, अभी कल रात में ही रिजल्ट आया है, तो धीरे धीरे लोग, कई लोग जो है देख ही नहीं पाते हैं, धीरे धीरे मैसेज कर रहे हैं उसमें। अभी मैं जो है बना रहा हूँ जो भी वीडियो, अभी तक का ये है ऑब्जर्वेशन कि सब में लगभग जो है दिख रहा है कि मतलब ऑप्शनल में हुए हैं सिलेक्शन। बाकी आप लोग और बताएंगे तो पिक्चर और क्लियर होगी, आपके आस पड़ोस में या फिर जो लोग जानकार हैं, जो ऐसे लोगों को जानते हैं जो पीसीएस में 2021 के मेंस में सिलेक्ट हुए हैं, उन लोगों से भी पूछिए कि भैया ऑप्शनल और मीडियम आप अपना ज़रूर बताइए। और एक और बात बताइए, भैया स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के से मतलब किसने हेल्प लिया, कंट्रीब्यूशन ली, मेहनत तो भैया आपकी होती है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हीं की मेहनत है, लेकिन ये एक अच्छा संकेत है आगे के लिए कि अगर बाकी सब्जेक्ट्स के भी जो है ये मेंस में भी हो रहे हैं और इंटरव्यू में भी कन्वर्ट हो जाएं तो बात है। इंटरव्यू के लिए इस बार जो है मैंने बताया था आपको कि बोर्ड में चेंज हुआ है कुछ, उसके लिए क्या टिप्स होनी चाहिए, क्या ट्रिक्स, वो आगे वीडियो में मिलेंगी। इंटरव्यू की पूरी स्ट्रेटजी कैसे क्या करना है वो सब देते रहेंगे, एक दो दिन का वेट करिए, वीडियो मिल जाएगी। आगे के लिए जो लोग भी कोई ऑप्शनल लेना चाहते हैं, बस वही मैंने बताया था जो 3-4 फैक्टर हैं कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, उसके PYQ होने चाहिए विद मॉडल आंसर, टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, और प्लीज़ राइटिंग करना बहुत जरूरी है, लिखाई बहुत जरूरी है, ठीक है।